दारा सिंह को जब वो पत्थर की सिला ऊपर लिटाया जाता है, घोड़ों के साथ खींचा जाता है, इधर झोंपड़े पट्टी बनी हुई होती है सामने, तो देख ली दोस्तों ये वो स्विमिंग पूल है जिसमें अमिताभ बच्चन सर्द मर्द मूवी के अंदर अपने तांगे को कुदाते हैं। तो हाँ बहुत मजा आ गया भाई नारियल पी के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ 1985 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है मर्द। हाँ जिसका नाम है मर्द, जिसका एक गाना बहुत फेमस है, मैं मर्द तांगे वाला हूँ मेरा दोस्त ऊपर वाला। तो दोस्तों इसमें एक महल दिखाया गया था, लेडी हेलेना का महल दिखाया गया था। तो वो एक महल है और वो पड़ता है कर्नाटक में, मैसूर जिले में पड़ता है, उसको जानते हैं ललिता ललिता पैलेस महल के नाम से। और ये जो मैसूर रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और आज मैं वहीं पे जाने वाला हूँ, आप लोगों को उसे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके मुख्य कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन सर, अमृता सिंह मैम, निरूपा रॉय मैम, प्रेम चोपड़ा, दारा सिंह जी इसके मुख्य कलाकार हैं। और मूवी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी मूवी है, और आज भी मतलब सुपर हिट मूवी है। उसका गाना भी था मर्द तांगे वाला, उसका भी मतलब अगर मुझे सीन मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, मैं वो पूरी हवेली दिखाने वाला हूँ, वहाँ के जाके पता लगेगा। हमने यहाँ रिसर्च की तो हमें बताया लोगों ने, हाँ आप जा सकते हो वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो। तो हम वहाँ चलेंगे और हम जाने वाले हैं ऑटो से, ऑटो से आप जा सकते हो, वैसे 4 किलोमीटर है ज़्यादा, मतलब बस वस वहाँ नहीं चलते, तो ऑटो ही कम से कम 100 से 200 रुपये लेगा आने जाने का। तो आप अगर आओ तो कभी ऑटो से जाओ, 100 से 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, और जगह भी अच्छी है, आराम से आओगे। और उसमें आपको 100 से 200 रुपये में मतलब सॉरी अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो हमें मतलब उसके 100 रुपये की टिकट कटानी पड़ेगी, और उसमें हमें 100 रुपये के अंदर चाय कॉफ़ी बिस्कुट वगैरह मिलेंगे। ये हमें यहाँ से स्थानीय लोगों से पता लगा। दोस्तों मेरा नाम है मनीष सर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मनीष ढाडोली। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में घंटी का बटन है उसे दबा दो, और अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो भी नहीं देखा तो पुराना वीडियो देख लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू, और मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। आपका नाम? नाम राज, राज। राज भाई का नाम राज है। भाई ये लिया हमने यहाँ पे नारियल, और इसको पीते हैं। हाँ बहुत मजा आ गया भाई नारियल पी के। यहाँ पे सबसे ज्यादा नारियल ही मिलता है, नारियल पानी एकदम बेस्ट है यहाँ पे। भाई मजे तो आ रहे भाई, पैसा तो खर्च हो रहा, मजे आ रहे भाई। विकास भाई तो ले ले भाई, मजे नु ले ले भाई, बहुत ठंडा है और गांव में तो गर्मी हो रही है इधर, लेकिन गांव में ठंडी हो रही है इधर गर्मी हो रही है भाई। हाँ भाई यहाँ पे बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है यहाँ पे। दोस्तों अभी चलेंगे हम ललिता महल पैलेस का, जो ये रास्ता जाता है यही रास्ता जाता है ललिता महल पैलेस के लिए, और यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगाया है, चलिए आपको दिखा दूँ, फिर हम वहाँ चलेंगे, वहाँ चलकर मेन गेट दिखाएंगे, फिर अंदर चलेंगे। देख लीजिए दोस्तों ये बोर्ड एकदम मस्त बोर्ड लगाया है इन्होंने महाराजा टाइप का, और ये रास्ता जाता है अंदर की तरफ, अंदर हम चलेंगे, अंदर दिखाएंगे, अगर इजाज़त मिलेगी वहाँ तो वीडियो शूट करेंगे ना आप लोगों को दिखाएंगे। और दोस्तों अभी हैं हम जो ललिता पैलेस महल है उसके सामने, और अभी हम जाने वाले हैं अंदर, मैं आपको बैक कैमरे से इसे दिखा दूँ, और यहाँ का जो चारों तरफ का नज़ारा है वो दिखा दूँ, फिर हम चलेंगे अंदर। और इसके अंदर चार्ज लगता है, 100 रुपये का चार्ज लगता है, जिसमें चाय कॉफ़ी आप ले सकते हो, 2-4 बिस्कुट मिल सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये इसका जो मेन गेट है वो है, इसके अंदर से हम चलेंगे अंदर, और देख लीजिए यहाँ पे लिखा वेलकम, और ये इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है वो है, इस रोड से हम आए हैं देख लीजिए, और ये रास्ता जाता है दूसरी तरफ, ये इसका दूसरा गेट है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है यहाँ से। तो चलिए अंदर चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम महल के सामने हैं, सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये अंदर गैलरी है जो लेफ़्ट साइड की तरफ है, यहाँ पर एक लड़का और गार्ड साहब बैठे हुए हैं, देख लीजिए गार्ड साहब देख रहे हैं हमें, और दूसरी तरफ भी इसी प्रकार की एक गैलरी है
यहाँ पर सेम टू सेम एक जैसी ही गैलरी है दोनों तरफ में। और अभी हम चलेंगे अंदर की तरफ, यहाँ से स्कैन होकर हमें स्कैन करेंगे, कोई हम सामान कोई गलत चीज़ तो नहीं ले जा रहे अंदर। और ये बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हो बाहर से कुछ ऐसा है। और अभी चलेंगे हम अंदर, अंदर हमें जब आते हैं तो एक हाथी दिखाई देता है, ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, बहुत अच्छा है। उधर रिसेप्शन वाले बैठे हैं और देख लीजिए ऊपर से इसका जो नज़ारा है महल का, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत शानदार नज़ारा है। और अभी हम थोड़ा और अंदर चलेंगे, तो अभी हम अंदर आए हैं तो देख लीजिए ये इसमें लिखा हुआ है बालकोनी की तरफ किधर जाते हैं, बाहर की तरफ रेस्टोरेंट की तरफ, यहाँ पे साइड में लगा हुआ है। और अब चल रहे हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए, जो हमने टिकट कटाया था 200 रुपये का मैंने और विकास भाई ने, तो हम कॉफ़ी पीने के लिए चलेंगे। और वहाँ का जो आसपास का एरिया है आपको हम दिखाएंगे, तो देख लीजिए कुछ ऐसा नज़ारा है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है अर्थ शॉप, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए हम कॉफ़ी पीते हैं और आप लोगों को उसका नज़ारा जो दिखाते हैं हम। दोस्तों ये हम उसी हवेली के अंदर हैं जहाँ पर मूवी बनी थी, और उसी में चाय नाश्ता हम कर रहे हैं। ये हमें कॉफ़ी मिला है 100 रुपये में, 100 रुपये में हमें कॉफ़ी मिला है। और दोस्तों इस जगह पर हमने बैठ के कॉफ़ी पिया था, 200 रुपये में 2 कप और 4 बिस्किट मिले थे हमें। तो वहाँ का ये नज़ारा आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा महल है, देखने लायक जगह है। और अभी मैं आपको स्विमिंग पूल की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। स्विमिंग पूल का मर्द मूवी के अंदर एक सीन लिया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन सर अपने घोड़े को तांगे को कुदाते हैं। और राइट साइड की तरफ हम चलेंगे और वहाँ पे क्या है, थोड़ा अभी कुछ चेंजेस कर दिए हैं स्विमिंग पूल में, विकास भाई तो हमसे पहले ही निकल गए आगे। तो चलिए हम स्विमिंग पूल और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों जो ललिता महल पैलेस है वो देखो पीछे हम हैं अभी, और देख लीजिए बहुत ही मतलब कितना शानदार है। और यहाँ पर अभी सड़क मूवी है, संजय दत्त का नया पार्ट तो वो भी बना है। और इधर ये शानदार फवारा है, इनको हिंदी आती है ना आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है इनका। आपका नाम? नागराज। इनका नाम है नागराज। तो इन्होंने हमसे बोल दिया कि यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो, देख लीजिए यही है वो मर्द तांगे वाले की जो मूवी में जो दिखाई गई है ना कोठी, उसका ये गार्डन है। और अभी हम दूसरी तरफ और चलेंगे और वहाँ से भी दिखाएंगे, और मैं आपको स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ, स्विमिंग पूल है जो यहाँ का। और दोस्तों ये वो स्विमिंग पूल है जिसमें अमिताभ बच्चन सर मर्द मूवी के अंदर अपने तांगे को कुदाते हैं, तो ये वही स्विमिंग पूल है। अभी इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले ये चौकोर टाइप का था, अब इसको डेवलप कर दिया है, हमें नागराज जी ने बताया था। और चलिए अब हम नागराज जी से चलकर थोड़ी बातें भी करेंगे। ये स्विमिंग पूल देख लीजिए, बिल्कुल इसका पानी बहुत साफ़ है, एकदम नीला पानी, टाइल्स लगी हुई है अंदर। तो नागराज जी से कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या है जो महल है उसके पीछे हैं, ललिता महल पैलेस उसके पीछे हैं। और जो नागराज जी हमें बता रहे थे अभी कि यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग हुई, कौन सी मूवी शूट हुई है? सड़क मूवी है ना, सड़क मूवी, वो सारे लोकल है, कर्नाटक का कन्नड़ा मूवी है ना। हाँ हाँ, कन्नड़ा मलयालम कन्नड़ा मूवी है वो। सड़क सड़क नहीं, हिंदी हिंदी हिंदी, चार पाँच लैंग्वेज बोले है ना। हाँ हाँ हाँ, तो शूटिंग संजय दत्त सर की है। सड़क दूसरा सीन है, हीरो नहीं है, हीरोइन। इनका नाम नागराज जी है, ये यही के रहने वाले, हमें इन्होंने पहले नाम बता दिया था, ये इसमें होटल में काम करते हैं। और इन्होंने बोला कि आप शूट कर सकते हो, वैसे इसका अंदर अलाउ नहीं है वीडियो शूट करना, तो अभी हम चलेंगे बाहर की तरफ, वहाँ से शूट करके आप लोगों को सीन दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं ललिता महल के मतलब सामने सामने हूँ, तो आप देख सकते हो बिल्कुल कितना बड़ा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और जो सीन लिए गए हैं वो सब दिखाता हूँ, मैच कराता हूँ आप लोगों को। दोस्तों यही वो महल है देख सकते हो, जिसको मर्द कुली और आज का अर्जुन जैसी मूवी के अंदर लिया गया था। ये देखो मर्द तांगे वाले में यही वो महल दिखाया गया है। और आज का अर्जुन में वहाँ से उधर से गाड़ियाँ आती हैं दूसरी तरफ से। और देखो ये मर्द में जब यहाँ पे खड़े होते हैं, इधर झोंपड़े पट्टी बनी हुई होती है सामने,
तो देख लीजिए। और अभी मैं दूसरी तरफ चलूँगा तो वहाँ से भी दिखाऊँगा आप लोग, जहाँ वो घर वगैरह बने होते हैं, झोपड़पट्टी हटाने की बात होती है। देख लीजिए दोस्तों, अंदर से मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाया है। और यहाँ पर इस जगह पर वो पत्थर की शिला होती है, इस पर दारा सिंह को जब पत्थर की शिला के ऊपर लिटाया जाता है, घोड़ों के साथ खींचा जाता है, यही सीन है। और इनका भी सीन आता है अलग अलग तरीके से, यही सीन है पूरा। देख लीजिए बहुत ही अच्छा मतलब पैलेस है। वैसे यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, पर हम बना रहे हैं वीडियो भाई आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।